दोस्तों, माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं शिबा इनू एमएस से रिलेटेड कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बट उससे पहले आई एम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाले क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो कभी भी मिस नहीं कर पाए। बट उससे पहले अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा ही कल बेबी डोज वाला एलोन मस्क ने ट्वीट किया तो हमने हाथों हाथ एक मिनट के अंदर मेरी टीम ने बता दिया था। बताता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं एक मिनट पहले हुआ था और हमारी टीम ने स्क्रीनशॉट लेकर भेज भी दिया था। उसके बाद देख सकते मैंने ऑर्डर वगैरह बताए थे, साथ में एड्रेस भी भेजा था, उसके बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग करके कुछ भेजा, उसके बाद में पंपिंग वगैरह बताई थी कि सिस्टम 1.1% ऊपर गया था तब का बताया था और अभी 108% ऊपर है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा फायदा होता है क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आप टेलीग्राम में कोई ज्वाइन वगैरह रहते हैं। और उसके बाद में मैंने खुद भी बाय किए थे, उसके बाद में कुछ वापस आपको बताता हूँ। लगभग ये मैंने विड्रॉ यहाँ पर कर लिया और जैसे ही मैंने विड्रॉ किया था उसके बाद में पूरा मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ हमारे सामने नजर आ रहा है। और हम सारी डील्स नहीं बताते, जो भी बेस्ट डील हमें हमारे हिसाब से लगती है केवल वही बताई जाती है। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रैंक देख सकते हैं शिबा इनू का लगभग 28 हो चुका है और वॉचलिस्ट है हमारी 9,80,939, मतलब लगभग 1,000 का इजाफा हमें देखने को मिला है। उसके बाद में प्राइस चेंज है हमारा लगभग 2.5-3% लॉस में, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं नॉर्मल, वो चाहते हैं कि हमेशा ही मार्केट प्लस में रहे, तो यह चीज़ असंभव है। हमेशा मार्केट प्लस रहना असंभव, इम्पॉसिबल चीज़ है, हमेशा प्लस में नहीं रह सकता। मार्केट वापस नीचे आना तय चीज़ होती है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहले बहुत बड़ा पंप था, उसके बाद में डंपिंग है, उसके बाद में साइडवेज के साथ में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसके बाद में वापस यहाँ पर नीचे आता हुआ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर थोड़ा नीचे आए, अगर आपको बताऊं 1 रुपये में हमें अभी कितने कॉइन्स मिल रहे, तो हमें लगभग 1610 कॉइन मिल रहे, जो हमारे लिए बढ़िया है। और धीरे धीरे संख्या लगभग 1000 के आसपास मेरे हिसाब से आ सकती है। इसके बाद देख सकते हैं प्राइस चेंज लगभग 2.5% लॉस में है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 19% लगभग लॉस में हमारा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर लोग हैं जो सेलिंग बहुत कर रहे हैं। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं जहाँ पर मार्केट डोमिनेंस हमारा लगभग थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और 0.24% हो गया है और लगातार धीरे धीरे यह बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 0.1876 चल रहा है, जो नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। मार्केट कैप है हमारी लगभग 1.5% प्लस में, प्राइस लॉस में चल रहा है, फिर भी मार्केट कैप हमारी प्रॉफिट में चल रही है, हमारे लिए बढ़िया बात है। फुली लिमिटेड मार्केट कैप है 25.91% प्लस में। अब जिन लोगों को मार्केट कैप नहीं पता, बता देता हूँ कोई भी कंपनी के शेयर कितने हैं उस कंपनी के पास। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरे पास 100 शेयर है और पर शेयर की कीमत मेरे पास 10 रुपये, तो 100 × 10 मतलब 1000 मेरी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई 1000। फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप कहते हैं, मान लीजिए मेरे पास जो 100 शेयर है उनमें से 20 ही यहाँ पर ट्रेडिंग में अवेलेबल है, 80 मैंने लॉक करके रखे हैं या 80 मेरे पास ऐसे बड़े हैं। अब वो 80 भी अब जब उसमें शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद में जो मार्केट कैप निकलेगी उसे कहेंगे फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप। वीडियो का अगर यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। येस्टरडे का चेंज है लगभग 0.45% लॉस में, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑल द टाइम हाई से 78.54% नीचे है, मतलब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो और ये वापस अपने ऑल द टाइम हाई को भी वापस टच करता है तो हमारे सामने 78.54% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शिबा इनू रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5,15,899%, जो काफ़ी ज़्यादा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जाए तो लगभग वही है और टोटल सप्लाई की लगभग आधी से भी काफ़ी कम हमारे सामने प्रतीत हो रही है। इसके बाद में नीचे आए तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंडिंग कॉइन्स में लगभग सेकंड नंबर पर आ रहा है हमारा शिबा इनू, थर्ड नंबर पर है बेबी डोज कॉइन। इसके बाद चलते हैं इसकी कुछ पोटेंशियल खबरों पर। यहाँ पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसको मैं लगभग यहाँ पर बता रहा हूँ, बिफोर शिबा स्वैप लॉन्चेस। अब इनका कहना का क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं विटालिक बुटिन इसके साथ में है, मतलब विटालिक बुटिन इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में डोजकॉइन के जो होल्डर्स है, आपको पता है धीरे धीरे डोजकॉइन के होल्डर शिबा इनू में ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि शिबा इनू ने अपने साइड से डोजकॉइन किलर हटा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कॉइनबेस का हमारे सामने यह है लोगो वगैरह है, मतलब कॉइनबेस की तरफ से सपोर्ट आ रहा है क्योंकि कॉइनबेस अपने हर पोस्ट में शिबा को यहाँ पर मेंशन करता है, जिससे उसकी भी पॉपुलरिटी बढ़ती है और हमारे शिबा की। इथेरियम यहाँ पर देख सकते हैं, इथेरियम के को-फाउंडर यहाँ पर बैठे, इथेरियम के फाउंडर यहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद में यहाँ पर शिबा इनू के जो पर्सन है रियोशी, मेरे हिसाब से इसे रियोशी बताया गया है और नीचे यहाँ पर प्लेट्स पर शिबा इनू बताया गया है। इसके बाद में हमारे सामने अगला टारगेट होगा हमारा इटोरो, लीस इनके हाथ में है यहाँ पर देख सकते हैं और इस हाथ में यहाँ पर इथेरियम दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एलोन मस्क ने भी शिबा इनू के बारे में ट्वीट कर दिया, मतलब हमारी कम्युनिटी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई। इसके बाद में हमारा सामने आता है रॉबिनहुड वाला प्लेटफॉर्म और यहाँ पर देख सकते हैं वापस विटालिक बुटिन वगैरह बताया, मतलब हमारी टीम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है बिफोर शिबा स्वैप लॉन्चेस। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना। अब लगभग इटोरो के मेरे हिसाब से 3-4 ट्वीट आ गए थे शिबा इनू के, जहाँ पर से यह एक और आया है वैन शिप शिप कब आएगा। इटोरो खुद ही पूछ रहा है, रिप्लाइंग टू कर रहा है सैम नॉर्थ, इटोरो को रिप्लाई करके पूछ रहा है इस शिबा को कब लॉन्च करें या शिबा को क्या होने वाला है। यहाँ पर केवल इतना ही लिखा गया है वैन शिबा, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, ये तो इनके नए अपडेट में आने को हमें सामने देखने को मिलेगा।
इसके बाद में बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं एनालिटिक्स है टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स से ऑन coingecko.com नाम की साइट है, जहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला हमारा आ रहा है शिबा इनू, जहाँ पर इसका देख सकते हैं रेड वॉल्यूम है यहाँ पर ये, और यहाँ पर रेड वाला है ये शिबा का कवर किया है, यहाँ पर देख सकते हैं रेड वॉल्यूम है, मार्केट कैप है इसकी लगभग 4.374719384 बिलियन, मतलब 4.37 बिलियन $ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो लगभग 9 नंबर पर आ गया है, पॉलीगॉन मैट्रिक्स 7 नंबर पर है, फैक कॉइन 4 नंबर पर है, और आईसीपी मैंने बताया था जिन्होंने इन्वेस्ट वगैरह किया होगा मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पर टेलीग्राम पर ही बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिबा इनू हमारा फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है, हमारे लिए बढ़िया बात है, और लगभग इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम और ओवरली सोशल वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट डोमिनेंस की बात की जाए तो हमारे सामने काफ़ी बढ़िया है, जो लगभग पहले 1 के अंतर्गत आती थी, लगभग 0.1 के अंतर्गत आती थी, वो लगभग 0.24 हो चुकी है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारा वॉल्यूम और हमारा प्राइस भी बढ़ता रहेगा। अगर आपको पता नहीं तो बता देता हूँ, लगभग बिटकॉइन की मार्केट डोमिनेंस है लगभग 0.45 या 0.46 के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्रिप्टो हाई की तरफ से एक ट्वीट आया था रात को, तो यहाँ पर लिखा गया है सो शिबा स्वैप ऑन 4th of July डील किया, शिबा स्वैप को 4 पर लॉन्च करें या 4 जुलाई पर लॉन्च होने वाला है, तो इसी पर लोगों ने यहाँ पर कहा है प्लीज मेक इट 15th of July गौर सम एप्स विल आस्किंग यू मैटर रिलीज द डैम थिंग लॉल वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब यह कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम वगैरह हो गया, रिलीज वगैरह तो कर नहीं रहे हो, केवल बातें वगैरह बनाए जा रहे हो, और साथ में हालांकि कुछ सपोर्टिंग वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कन्फर्म वगैरह हुआ नहीं है, केवल ये प्रेडिक्शन बताई जा रही है क्रिप्टो हाई की तरफ से क्या 4 जुलाई को कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 4 जुलाई नहीं, पूरे जुलाई के अंतर्गत कभी भी यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्ट और है क्रिप्टो डैप के नाम की साइट है coingecko के, यहाँ पर रिजल्ट यार इन्होंने बताए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सोलाना लगभग लास्ट वे 2nd नंबर पर आ रहा है, सेफमून आईसीपी मैटिक फैग और एक्सा सभी पीछे आ रहे हैं, शिबा इनू हमारा सबसे पहले पर रैंक कर रहा है, तो ये हमारे लिए बढ़िया बात है कि यहाँ पर एक चीज़ हमें बढ़िया देखने को मिल रही है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 1.1 बिलियन यहाँ पर प्लस में दिखाई दे रहा है, प्राइस चेंज है 7 दिनों का लगभग 43.5% प्लस में दिखाई मिल रहा है, और करंट प्राइस जिसकी बताई थी 0.00009 यह अपडेट नहीं हुआ, मतलब इसके बाद में जो प्राइस थी लगभग नीचे जा चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से पंप वगैरह मार सकता है, क्योंकि हालांकि एक से तो डंप भी मार सकता है, क्योंकि जो मैंने ब्लैक बुल फ्लैगशिप वाला आइकन बताया था, एक मिनट बता देता हूँ आपको, ये है जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ आई, फिर उसके बाद में डाउन ट्रेंड दिखे साइडवेज की तरफ से, तो हमारे सामने बहुत बड़ा यहाँ पर पंप देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस चीज़ को उल्टा किया जाए तो हमारे सामने अभी डंप है, उसके बाद में साइडवेज के साथ में अप ट्रेंड है, तो हमारे हिसाब से इस हिसाब से प्राइस अभी नीचे जाना चाहिए, पर अगर कोई बढ़िया न्यूज आ जाती है या फिर इसका मार्केट इसका बिटकॉइन का मार्केट अगर प्लस में जाने की संभावना बनी रहती तो मेरे हिसाब से इसमें पंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर श्रोतोशी कासामे की तरफ से एक हिंट दिया गया है 2 जुलाई को, यहाँ पर लिखा गया है मैन आई लव द वीकेंड डोंट यू, मेरे को यह है वीकेंड काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है, मेरा प्यारा है, अब इस वीकेंड का मतलब हो गया यह जो सप्ताह है इसके आखिरी जो तारीख होगी, इस सप्ताह की जो आखिरी तारीख है उस पर इसको लॉन्च किया जा सकता है, किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बात करी जा रही है कहीं भी कभी 4 जुलाई की और कहीं पर पूरे जुलाई की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने वीकेंड कहा है, जहाँ पर वीक का एंड होता है यहाँ पर शिबा स्वैप को रिलीज वगैरह किया जा सकता है, ये केवल एक हिंट है सतोशी कोसामे की तरफ से, क्योंकि वरना इस ट्वीट का क्या मतलब बनता है, आप भी अगर कुछ आपको समझ आए तो मेरे को भी बताना, लेकिन मेरे को जो लग रहा था वो मैंने बता दिया, इन्होंने कहा है मैन आई लव द वीकेंड डोंट यू, मेरे को यह वीकेंड है इस सप्ताह का जो आखिरी दिन है काफी ज्यादा पसंद है, क्या आपको पसंद है या नहीं। अगर आपको क्रिप्टो में अच्छी पकड़ बनानी है तो इंडिकेटर सीख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इंडिकेटर बताए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से बताए गए हैं, एकदम जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल समझाए हुए हैं, अगर केवल वीडियो देखोगे नॉलेज वगैरह इकट्ठा करते रहोगे उसको यूज़ नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ में, और जो इंडिकेटर वाली लिंक है उस पर जाकर वीडियो देखिए, इंडिकेटर सीख जाएंगे, हर डेली का ऐसा फिक्स कर लीजिए, केवल हमें एक एक चीज़ सीखनी है, एक एक पैटर्न सीखना है, एक एक बुलिश फ्लैग का सिंपल सीखना, तो आसानी आप महीने के अंदर इतनी अच्छी क्रिप्टो में पकड़ बना पाओगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये होती है हमारी शिबा इनू से रिलेटेड अच्छी खबरें जो भी हमारे सामने थी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट कुछ भी हमारे चैनल में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, देखो डेली वीडियो देखते हो तो पक्का यहां पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आज नहीं आए तो 2-3 दिन का डेमो देख लो, इसके बाद में भले सब्सक्राइब कर लेना, कभी किसी को फोर्स वगैरह नहीं करता। तो जय हिंद जय भारत।